वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो आप दाल खाते हैं? दुनिया भर में दालों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और कहते हैं कि दाल बड़ा माल। अक़वामे मुत्तहिदा ने वैसे 2016 को दाल का सार करार दिया था और इसकी वजह यह थी कि इस साल सबसे ज्यादा पकने वाली डिश दाल थी। बिल्कुल, मेरे घर में थी दाल। दाल के हवाले से आपको बताया, ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। हफ्ते में एक बार दाल उबाल कर खाने से जो आपके आंतों की सेहत वो बेहतर होती है, उसमें कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। और इसके साथ साथ दालों की अगर बात की जाए, डायबिटिक्स के जो पेशेंट है डायबिटीज के, उनके हवाले से हमने बहुत फायदा होता है। नहीं, दाल के बहुत सारे फायदे हैं और दाल खाने वाले जो मरीज है उनमें जो शुगर की मकदार है उसमें भी ज्यादा इजाफा नहीं होता। अब हंसे जा रही है, आपको चावल भी मिलेंगे दाल के साथ। दालें हमारे लिए कितनी फायदेमंद है, इसकी खूबियां क्या है, इसी हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वीडियो लिंक के ऊपर उफैरा निसाद जो कि एक्सपर्ट है, हमारे ग़िज़ाइयात है, उनसे जरा इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के हवाले से बात करते हैं, जो कि हम लाइट लेते हैं दालों को जरा। तो उफैरा, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। दाल कितनी जरूरी है जिंदगी में खाने के लिए? अच्छा, थोड़ा सा आपको क्लियरली सुन नहीं पा रहे, तो अगर माइक करीब करके थोड़ा बोलिएगा ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बेहतर बेहतर, बिल्कुल बेहतर है। काफी महंगा गुजरा था शायद, कि लोग गोश्त सपोर्ट ना कर पा रहे थे, 2016 को दालों का ही साल करार दे दिया गया। दाल एक इतना बेहतरीन खजाना है अल्लाह ताला की तरफ से, जिसमें तमाम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो कि बच्ची को चाहिए वो मौजूद है और सस्ती भी होती है कम्पेयर टू, खैर अब से इतनी सस्ती नहीं रही, लेकिन अदर मील बहुत सस्ती होती है। दूसरा ये कि दाल लेकिन अगर उसको अच्छे तरीके से तो ठीक हो गया। अब फेरा आपको इंटरप्ट करेंगे, थोड़ा सा माइक आप और करीब कर लीजिएगा क्योंकि आपके पास बहुत इको में आ रही है। सो अगर आपने हैंड्स फ्री भी रिमूव करना चाहें तो इट्स परफेक्ट, आप उसको कर लीजिए, लेकिन माइक करीब कर लेंगे। हाँ, अच्छा अफेरा, हम कह रहे थे चूंकि दालों के हवाले से, नॉर्मली घरों में एज अ किड मुझे लगता है कि जब हमारे घर में दाल बनती थी तो सबके ज्यादातर मुंह ही बन जाते थे कि क्यों बना लिया दाल। तो इसको खाना और हफ्ते में खाना, या क्या हमारे ईटिंग पैटर्न में किस तरह से इसको पार्ट होना चाहिए, इस हवाले से भी हमारे देखने वालों को बताइएगा। नहीं, उफैरा सुन नहीं पा रहे आपको, मेरे ख्याल में आप अपनी हैंड्स फ्री एक एक्सपेरिमेंट और कर ले, जो कि सेंस कॉल दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं और लाइव शो है तो लाइव शो में हो जाता है। वैसे आप हैंड्स फ्री कनेक्ट करें और माइक अगर पास रखें तो आम श्योर आपकी आवाज हमें दोबारा आएगी। और जो कि आपने वो बड़ी अच्छी बात की कि दाल बनती थी तो मुंह भी बन जाता था। वैसे मुंह बन जाते थे मुझे लगता था, हालांकि दाल के साथ चावल में भी उसी में, क्योंकि दाल चावल वैसे बहुत फेवरेट डिश होती है मुझे लगता है। व्हेन यू टॉक अबाउट दाल चावल तो इट्स नॉट दाल, इट्स दाल चावल, दाल विद रोटी, दाल नहीं रोटी, रोटी के साथ कोई। और वैसे अब वो जमाना नहीं रहा जो लोग खुद से ग्रोसरी करते हैं, उनको पता है कि अब चिकन जितनी प्राइस के अंदर, मैं करती हूँ ग्रोसरी, मुझे पता है कि दाल और चिकन सेम है, तो आप दाल चावल खा ले, मतलब क्या। हाँ, और मतलब प्राइस बहुत बढ़ गई है ना, दालें महंगी हो गई हैं पहले एक वक्त पे, और मुझे इस हवाले से काफी हद तक यकीन है और मैंने पढ़ा है किसी जगह पे कि पाकिस्तान में बहुत हद तक जो दालें हैं वो इंपोर्टेड हैं, यानी कि वो इंपोर्ट की जाती हैं पाकिस्तान में। कभी कभार ये समझ नहीं आता कि हम खुद एक जरी मुल्क है तो हम खुद ऐसी चीजें क्यों नहीं खाते। उफैरा, अगर आप सुन तो पा रही थी, बोल पा रही हैं अब तक आवाज पहुंची, तो प्लीज अपनी बात जारी रखिएगा। उफैरा जी, जी बोलिए। दालों के बारे में बताया जा रहा था कि पुराने जमाने में तो इतना माइंडसेट इतना वास नहीं था, अब कुकिंग चैनल्स इतने आ गए हैं, यूट्यूब पे भी कुकिंग रेसिपीज हो गई है दालों के, सिर्फ एक ही है कि सिर्फ चावल के साथ आपने दाल दे दी। दाल चावल अच्छे तो बहुत लगते हैं, लेकिन अगर किसी घर में रोजाना दाल चावल बन रहे हो तो बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन कर रहे हैं बच्चों को, और हम भी अगर अपने बचपन में जाए तो एक टीन एज को या टॉयलेट को या बच्चों को एक वैरायटी ऑफ फूड चाहिए होता है, टेस्ट चाहिए, तो जहाँ दाल तो दालों को बनाने की बहुत सारी वैरायटीज है। स्पेशली अगर मैं डाइट प्लान की तरफ आऊँ, जो कि मैं दे रही होती हूँ, तो उनका पूरा यू वोंट बिलीव कि मैं दालों का डाइट प्लान दे रही होती हूँ, क्योंकि दाल एक ऐसी चीज है जिसमें तमाम चीजें कवर हो जाती है, जिसमें आयरन भी कवर हो रहा है, जिसमें प्रोटीन भी कवर हो रहा है, और दालों के सूप जो
लॉस का एक टारगेट होता है, एक टास्क होता है, बहुत आसानी के साथ जो है वो अचीव किया जा सकता है। उसके अलावा की बात करें, अपने वजन घटाना है, दालों और सब्जियों को मिलाकर खाया जाए। इसके अलावा पर बच्चों की बात आती है, टॉडलर्स की बात आती है या इन्फेंट की भी बात आती है, तो मिनिमम क्वांटिटी के दालों को बहुत ज्यादा, क्योंकि हाई इन फाइबर होता है, और अगर छोटे बच्चों को हम ज्यादा मकदार में दे दें तो उनको मोशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हर चीज की एक म्याना रवी वाला जो एक फॉर्मूला है वो इख्तियार करना चाहिए कि छोटे बच्चों को इसका हलवा बना के दिया जाए घर। अच्छा मेरा ये बताएं कि जो हम जितनी दालें कंज्यूम करते हैं उसमें सबसे बेहतर दाल कौन सी है, जल्दी से बता। इसके बारे में तो ये नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर दाल में ही एक अलग खासियत रखी है, हर दाल ही बहुत मुफीद है। लेकिन हाँ, हम कुछ सिलेक्टिव होते हैं इसलिए कि कुछ दालों को पकाना आसान होता है, वो कुकिंग टाइम कम हो रहा होता है, कुछ दालों को पकाने कुकिंग टाइम ज्यादा लग रहा होता है, उसमें मेहनत ज्यादा होती होगी, कुछ दालें ऐसी अगर उनको सही से नहीं पकाया जाए, इसी जो कुकिंग होती है तो उन सच्ची रह जाती है, उनका टेस्ट खराब हो जाती है। तो बेस्ट और आपने सुबह सुबह दालों के वाले से बता दिया मेरा दाल। अच्छा, जिस सारी दाल अच्छी हो सकती है लेकिन सफेद लोबिया नहीं अच्छा हो सकता, चाहे जो भी। क्यों भाई, मुझे अच्छा पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अपने देखने वालों से हम इजाजत लेंगे, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। फीडबैक के लिए हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल है फीडबैक, कल आपसे मुलाकात होगी। अच्छी आपके लिए।